देख ले, पता नहीं। अरे मत आ, शाम को आ जाइए, मेरी दिहाड़ी बढ़ जाएगी। क्या बन जाएगी? बनेगी। ये गेम 18 ओवर का होगा और पावर प्ले होगा 5 ओवर्स और B1 का बॉलिंग होगा मिनिमम 7 ओवर्स। हाँ जी भैया। क्या तुमने स्टैंड सही नहीं खोला ना? सार नहीं खोला तुमने, तो कहीं से डाउन हो रहा फ्रेम यार। नीचे कर, इस नीचे कर, छोड़ दें, छोड़ दें, अब सही है, ठीक है। पक्का फ्रेम टेढ़ा था ना यार? फ्रेम तो सही आया, टेढ़ा कहाँ। अब टेढ़ा है, ठीक तो है भाई। मैं बोल रहा हूँ मतलब रिकॉर्डिंग चलाए। यही होगा यार, इसके ऊपर चलो। बहुत है मिक्स, उसको बाद कर दो आगे जी, जिथे कहने कुलदीप जी करा दो इन्होंने। वैसे करवानी है ना सर, ये है इनसे करवा दो, कुलदीप जी आज नाल करवा दो, वो और पीछे लेके जा मुझे बना भैया। कहाँ जाना है?
ऊपर वाली कुर्सियां ले आओ बहुत है चार बंदे चले गए दो दो करके
Oh,
Bora, Tchê!
Thank you.
I
ये पीछे आ जाओ अगे ना मैडम नहीं बुलाया मुझे भी इसने भेजा तुम्हें कल सोरे वाले ने तो
सात ओवर की समाप्ति के बाद मणिपुर की टीम 81 रन पर पहुंच चुकी है और 5 विकेट उनके अभी तक जा चुके हैं। मंदिर के सामने साहब
संजू पाजी नहीं है, इनके थ्रू काम कर रहा हूँ ना मैं, अभी उधर ही जाना तुमने 12 बजे। आठ ओवर के बाद मणिपुर की टीम 91 रन पर पहुंच गई है, 91 रन ऑन 5 विकेट्स। Yeah.
9 ओवर की समाप्ति के बाद मणिपुर की टीम 11.6 की रन रेट से 105 रन बना चुकी है और 5 विकेट खो चुकी है। They are called B1 is
तीन ब्रेक्स तक मणिपुर के 5 विकेट गिर चुके हैं और मणिपुर के दोनों खिलाड़ी बहुत ही बेहतर साझेदारी बना चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी इसी तरह खेलते रहें और एक बड़ा स्कोर चेज करने को मिले चंडीगढ़ की टीम। चलो जाओ फिर, आप 1500 कितने देने हैं? 1500 जाके उठे लाने हैं मारने ये बात भी ठीक है। हो गया शुरू।
नहीं खत्म होने वाला फर्स्ट इनिंग दो मैच हो गए पाँच बजे आ गए पाँच बजे ठीक है यार कितने बजे बता कितने तक ठीक है पाँच सौ वहाँ पे थोड़ा बढ़ा लिया बोल बोल बना क्या मैं रिकॉर्डिंग तो वही हुई है ज़्यादा सट्रेस भी ऑप्शन से क्या होगा बंदा ब्लर हो जाएगा ज़्यादा रखने से बंदा ब्लर हो जाएगा कम करेंगे तो कितनी रखनी चाहिए फिर तो चील को वो नीचे रख लिया आठ से ऊपर रखेंगे तो क्या होगा पकड़ लेगा प्रॉपर आठ से ऊपर तिरछी दिखाएगा आठ से ऊपर अपन चाहिए पल्चर कर दे तू 6.5 पल्चर की क्या रोल होगा चल पूछने की बात तो अलग हो गई उस टाइम पर चला पहुँच गए थे जब ये निकला था उसके 10 मिनट बाद पहुँच गए बंदे रिकॉर्ड में दोनों जा रहे हैं सुबह करे दोनों चल रहे हैं कहाँ जा रहे थे लेकिन तू तो ड्यूटी पे है तू थोड़ी है ड्यूटी पे ड्यूटी का चेक करवा रहा हूँ मैं जाऊँ आ जाता हूँ क्या बता रहे हैं इसमें का यूआई कैंडिडेट करेगा फिर शादी में गुलाब सर क्या रहा है ऐसे कर रहे हैं सुनो सुनो फोन करके ना बोल लेगा मैं तो बच्चा नहीं मतलब बोल तुम्हारे साथ लेना मुझे क्यों बताया मुझे वापस आना अपना बच्चा मैं दिन तुम्हारे साथ चलूँगा मुझे जिला ऊपर से दिल्ली जा रही ग्यारह ओवर की समाप्ति के बाद मणिपुर की टीम 101 दोनों प्लेयर बहुत अच्छी साझेदारी बना रहे हैं नहीं
सभी से हम यहाँ बताना चाहेंगे कि आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर बलजीत कौर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल सिक्योरिटी, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। हमारे बीच में श्रीमती श्री अमित तलवार, आईएएस डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज मोहाली पहुंच चुके हैं। डॉक्टर एसएस पांडव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आईपीजे चंडीगढ़। डॉक्टर दमनजीत मान, एडीसी अर्बन डेवलपमेंट हमारे बीच में हैं। तमाम अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले मेरा अनुरोध रहेगा चड्डा साहब से कि वो आज के समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर बलजीत कौर को एक प्लांट भेंट करके उनका स्वागत करें। नितिन जी से मेरा अनुरोध है। नितिन जी आगे आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट नैब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, उनके हाथों से आज के समारोह के मुख्य अतिथि को एक पौधा देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सर इधर कैमरा लुक दीजिए। सर 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 इस साइड थोड़ा प्लीज। हाँ जी। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू सर। संजीव आगे आ जाएं। श्री अमित ब्रदर पीछे आ जाओ थोड़ा। तलवार आईएएस डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज मोहाली पंजाब, उन्हें संजीव एक प्लांट देकर उनका स्वागत करेंगे। तालियां थोड़ी सी बजा दीजिए क्योंकि हालांकि मैच चल रहा है। हमारे मेहमान हमारे बीच में, हम उनका हम स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर दमनजीत मान, एडीसी अर्बन डेवलपमेंट। संजीव रुको, आप ही दो। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय हम यहाँ बताना चाहेंगे कि मणिपुर और चंडीगढ़ के बीच में मैच चल रहा है और थोड़ा सा लुत्फ उठाते हैं मैच का और देखते हैं कि ये बच्चे किस तरह से मैच खेलते हैं। इनके हौसले बुलंद है, जज्बा बुलंद है, वो हमारे सामने है। हेलो। हाँ जी सर, पहुंच गया था मैं यहाँ। ठीक है, इसको देवराज को भेज दो। ठीक है। ठीक है बेटा, भेज दो बेटा। पेट्रोल के पैसे देवराज दे 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 दे।
फिर 200 रुपये का आया भाई ने, 200 रुपये फोन आया फिर तो ये बोले कि भाई ने 200 रुपये मंगा दे रहा है, 200 रुपये ले रहा है, कुछ काम हो गया बहुत गलत काम हो गया। गलत क्या है यार बता, मतलब काम बहुत भाई आ जाओ गला कर, तुम आने के बाद तुम बचा कुछ रखने के लिए बचा रहे वो तुझे कह रहे तू बना कह रहा12 ओवर के बाद मणिपुर की टीम 129 रन बना चुकी है और अभी तक 5 विकेट गए। Thank you.
एक लंबी साझेदारी के बाद एक बेहतरीन विकेट, 143 रन पर 6 विकेट हो चुके हैं मणिपुर की टीम के। दो बॉल बची हैं और इसके बाद कुछ देर के लिए हम ये मैच बीच में रोकेंगे और सभी जो टीम्स हैं मैदान में उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो मैदान के बीचों बीच आ जाएं और अपनी जगह जो उन्हें बताई गई है वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। Gracias.
सभी जो टीम्स हैं, चारों टीमें मंच के बिल्कुल सामने आ जाएं, उनके साथ उनके इंचार्ज जो हैं वो उन्हें हेल्प करके यहाँ ले आए। वैसे खुद ही बुलंदियों को छूते हैं ये बच्चे। हमारे सामने जब क्रिकेट की बात आती है तो अक्सर एक सवाल हमसे पूछा जाता है, जब हम कहते हैं कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके क्रिकेट के मैदान में जा रहे हैं वो खेलेंगे आज, तो एक सवाल उभरता है कैसे खेलते हैं। तो मैं कहता हूँ हौसले से खेलते हैं, जज्बे से खेलते हैं। और फिर उनका सवाल होता है पता कैसे चलता है, फिर उन्हें बताया जाता है कि उनके बॉल में जो है वो घुंघरू सी आवाज़ आती है और तब वो अंदाजे से खेलते हैं। लेकिन जज्बा नहीं होगा तो अंदाज़ा कैसे लग पाएगा, बहुत बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, पता हम सबको चलना चाहिए कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित है उसका भी जीवन है, उसको भी आगे बढ़ना है, तो हमारा साथ बहुत ही ज़रूरी है। आज की समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर बलजीत कौर, खुद ही डॉक्टर हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं और भली भांति जानती हैं कि इन बच्चों की समस्याएं किस तरह की होती हैं और इनके जीवन में किस तरह की उलझनें आती हैं और उन्हें किस तरह से पार पाया जा सकता है अगर हम सब इनका साथ दें। तो जब हम नैब की बात करते हैं, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की बात करते हैं, तो ये संस्था 1952 में मुंबई में बनी थी। बहुत लंबा अरसा है इनका और ये सबसे बड़ी संस्था है जो ब्लाइंड के वेलफेयर के लिए काम करती है। चंडीगढ़ और पंजाब जो है 1990 से यहाँ काम कर रहे हैं, 3 लोकेशंस पे काम है इनका। चंडीगढ़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड जमालपुर लुधियाना में है। 12 सालों से कंप्यूटर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं पंजाब में और अपने प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। बेनिफिशरीज से पिछले 32 सालों से एक भी पैसा नहीं लिया गया है। और अब आपको ये भी यहाँ बताना चाहेंगे कि एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड एंड मल्टी डिसेबल्ड 2.5 एकड़ ज़मीन पर चांदपुर विलेज में बन रहा है, ब्लॉक माजरी मोहाली में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको ये ज़मीन दी है। ये इंस्टीट्यूट एक अलग ही इंस्टीट्यूट होगी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। मेन फोकस रहेगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिसकी बड़ी ज़रूरत रहती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, आई केयर सेंटर, प्रिवेंशन के लिए क्योर प्रोग्राम होंगे। ऑब्जेक्टिव है क्लियर विजन पंजाब, द आई केयर सेंटर जो है वो बहुत सारे लोगों को इंटरवेंशन पहले से देकर अर्ली इंटरवेंशन के साथ जो लॉस ऑफ साइट होता है उससे बचाएगा। और हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि पंजाब सरकार हमारे साथ मिलकर कुछ इस तरह के प्रोग्राम चलाए जिसमें आई केयर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं जिनके साथ मिलकर नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड पंजाब सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है ताकि इन लोगों को, इन बच्चों को इनका हक मिले और ये जीवन में आगे ही आगे अग्रसर होते चले जाएं। अब हमारा अनुरोध रहेगा ऑनररी प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड कि वो मंच पर आए आज के समारोह के मुख्य अतिथि और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें।
नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड वालों मैं थोड़े सारियां दा हार्दिक स्वागत करदा। डॉक्टर बलजीत कौर ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस चाइल्ड एंड वेमेन और इस सारे सोशल वेलफेयर के सारे डिपार्टमेंट्स श्री अमित तलवार जी डायरेक्टर स्पोर्ट्स श्री मान साहेब एडीसी अर्बन डेवलपमेंट श्री विनोद कपूर जी साढ़े रोटरी क्लब के प्रेजिडेंट श्री जसपाल सिंह सिद्धू साढ़े इमीडिएट पास्ट प्रेजिडेंट ऑफ रोटरी क्लब डॉक्टर एस एस पांडव ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस आई केयर सेंटर ऑफ पीजीआई। एक बार बहुत जोर दी ताड़ियां होनी चाहिए साढ़े सारे कुछ प्राइवेट कंपनियां तो भी साढ़े को टास्कस तो आए हुए हैं जेडे साढ़े नाल सहयोग करके उत्थे साडा हौसला बढ़ा रहे हैं। मोहाली दे इस कार्यक्रम में जिदे असी कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे और आई केयर दे कुछ इक्विपमेंट वगैरह इन्हां दे थ्रू लेना चाह रहे हैं। साड़ी संस्था 70 साल तो इंडिया इच काम कर रही हैगी है। ब्लाइंड वेलफेयर दे सारे इंडिया दे जिन्ने भी रूल्स अज तक बने सीगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग क्योंकि उस टाइम नवी नवी आज़ादी मिली सी ਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਫੋਰਮ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਤੱਕ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬੰਬੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਬਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਨੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਆਈ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਔਰ ਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪਿਟੀ ਦੈਮ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸ਼ਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 100% ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੈਪਟਾਪਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਲਸ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਖੁਦ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ। 15-15 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਛ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ
मन के उन्होंने साढ़े ते बहुत बड़ा आभार किया। वी आर रियली ग्रेटफुल टू हर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू एवरीबडी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चड्ढा साहब। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि टीम्स लाइनअप बिल्कुल मंच के सामने हैं, और एक बार जोर से इन सब के लिए तालियां पूरे स्टेडियम से आनी चाहिए। हमसे ज्यादा तेज तो तालियां इनकी हैं, यहां से दिखता है कि इनके हौसले ज्यादा बुलंद हैं। और जब इनको देखते हैं तो देखने के बाद ये लगता है कि जिंदगी नाम है हिम्मत का, हौसलों का यारो। जिंदगी नाम है हिम्मत का, हौसलों का यारो। स्याह अंधेरों में भी जलाए हैं हमने दीप। तो स्याह अंधेरों में ये दीप जलाकर रोशन करते हैं अपने जीवन को, हमारे जीवन को। चड्ढा साहब ने एक बात कही बड़ी अच्छी कि तुरंत कैब बुक करा लेते हैं हम। बड़ी आसानी से इन्हें ब्लाइंड कह देते हैं, और कई बार तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दृष्टि बाधित कहें तो अच्छा है, वो अंधा कह देते हैं। सोचते नहीं है कितनी पीड़ा होती होगी इनको। लेकिन अगर आप कैब बुक करा रहे हैं और इनके साथ खड़े हो जाइए, इनको कहिए आप भी कैब बुक कराएं सेम टाइम पे, इनकी कैब जल्दी बुक हो जाएगी, आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो कौन जीता, हौसला किसका बुलंद है, कौन आगे बढ़ रहा है, बस जरूरत है कि हम थोड़ा समझें। संवेदनशील होना पड़ेगा, सेंसिटाइज होना पड़ेगा। पंजाबी च वी कहिंदे ने कि संवेदनावां घटदियां जा रहीआं ने, आओ वध के अगे चलिए, इन्हां दा साथ देईए, फिर देखिए कि जीवन किवें इन्हां दा आसान बन जाता है। और मेरा अनुरोध रहेगा आज के समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे जो विशेष अतिथि हैं कि वो लाइन अप हुए प्लेयर्स के पास जाएंगे। सबसे पहले जो है गर्ल्स टीम जो है ये जीत कर आई है, और इन्हें जो इनके प्रतिनिधि हैं उन्हें एक बंडल जो पूरा सर्टिफिकेट्स का है वो मैडम के हाथों से दिया जाएगा। और सभी से अनुरोध है कि वो मैदान में चले। ये परिचय हो रहा है तो बाकी सब मेहमान का स्वागत करते चलें साथ साथ में। तालियों की गड़गड़ाहट मैदान में बहुत अच्छी लगती है। क्या नाम है? ये एसएमडी टीम है। अच्छे हो, बहुत बढ़िया खेल रहे हो। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है? राजदीप टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? मंजीत। क्या नाम बेटा? असम से। असम से बच्चे असम से। असम ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਂਗਲੋਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਗਲੋਰ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਆਪ ਬੇਟਾ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਲਿਤ। ਪਿੱਛੋਂ ਤਰਫ ਆ ਸਰ, ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਰ। ਹਰਲੀਨ ਬੋਲ। ਹਰਲੀਨ ਬੋਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਬੋਲ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਖੋਲੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ। ठीक है, थैंक यू। My name is Mukesh sir. My name is Amit. No, Chandigarh.
ये सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है, 12 साल का, 12 साल क्या नाम है? सारे अलग अलग क्योंकि रेलवे से पूरे इंडिया से हर थामा तो इतने आया खेल अहमदाबाद नमस्ते मैडम, मुंबई वेस्टर्न रेलवे से हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट नमस्ते, मैं विकास गैस से हूँ, इंजीनियरिंग विभाग से। इंजीनियरिंग वेरी गुड। नमस्ते, दानापुर रेलवे मेडिकल डिपार्टमेंट। नमस्ते, मैं संजय और मैं दिल्ली से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एथलेटिक इंजीनियर इंटरनेशनल प्लेयर ढक्कन ना आ जाए कहीं हाथ में। रोटरी क्लब तो रोटरेक्स कोई ना कोई सानू आके हेल्प कर देंगे एवरी टाइम वी गिव ए कॉल एंड मैनी ऑफ देम कम अप बल्कि सानू कुछ नू रिक्वेस्ट करनी पैंदी कि इस बार नहीं अगली बार थोड़ी हेल्प आज के समारोह के मुख्य अतिथि के लिए एक बार उनके स्वागत में वो सबसे मिलके वापस पहुंच रही हैं। जोरदार तालियां हम सबकी ओर से। और अब हमारा अनुरोध रहेगा जॉन डेविड, सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, कि वो नागेश ट्रॉफी के बारे में बताएं कि नागेश ट्रॉफी क्या है और किस तरह से मैचेस जो होते हैं और इसका पूरा पैटर्न क्या है। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। So respected guest on the dais, our honorable guest, all the dignitaries and all the guest of honors, all the cricketers and cricket lovers and all our friends who are assembled here. So on behalf of Cricket Association for the Blind India and Samartham Trust for Disabled and the host from the National Association for the Blind, Punjab and Chandigarh branch. So once again, I welcome each and every one of you for this wonderful event. तो सबसे पहले ये जो है हमारा फिफ्थ एडिशन शुरू हुआ है आज, जो कि फिफ्थ एडिशन ऑफ नागेश ट्रॉफी नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड। ये फॉर्मेट है हम लोग जो रणजी ट्रॉफी जो अपना मेन स्ट्रीम क्रिकेट होता है उस फॉर्मेट पे हमने शुरू किया है 2018 में और ये फिफ्थ एडिशन है। तो लगभग 5 साल से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। ये है कि जिसमें से हमारा एक हम प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं हमारे प्लेयर्स को, इसमें से हमें काफ़ी हिडन टैलेंट्स मिलते हैं और यही है जो कि हमें फ्यूचर में जो कि इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट होते हैं प्लेयर्स यहाँ से और पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज में और वर्ल्ड कप में। तो ये है ब्लाइंड क्रिकेट। और सबसे पहले खुशी की बात ये है कि मैं यहाँ हमारे गेस्ट लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज़ वन ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। सभी प्रकार की जो भी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप हो गया, ODI वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप, ट्राइंगुलर सीरीज, सभी इंडिया के हाथ में हैं। और फॉर द इंफॉर्मेशन, रिसेंटली हमने दिसंबर 17 को इंडिया ने वापस T20 वर्ल्ड कप, जो थर्ड T20 वर्ल्ड कप था वो जीता, तीसरी बार लगातार जीता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड T20 वर्ल्ड कप। सो दैट इज द अचीवमेंट ऑफ इंडिया। और 2 बार इंडिया ने वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी जीता है, 2014 में सबसे पहले हमने साउथ अफ्रीका में जीता, 2018 में हमने जीता था दुबई में,
तो ये इंडिया के टोटल 5 वर्ल्ड कप है, 1 एशिया कप है, और ये सब अवार्ड जो भी जो विक्ट्रीज हुई है इंडिया की जो वर्ल्ड कप ट्रॉफीज है केवल 10 महीने और 4 दिन में हुई है, दिसंबर 13 2012 और दिसंबर 17 2022, तो 10 साल और 4 दिनों में ये 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो ये रिकॉर्ड किसी का नहीं है, केवल ब्लाइंड क्रिकेट एक ही है जिसके हाथ में रिकॉर्ड है। और थैंक यू सो मच। और ये अभी आगे जो होगा, इस साल अभी हम लोग वुमेन की टीम भी मैडम हमने शुरू किया है, तो अभी नेशनल में चंडीगढ़ की टीम आई थी खेलने के लिए, टोटल 16 टीमें आई थी खेलने के लिए, और ये हमारा तीसरा एडिशन था, पहला हमने 2019 में किया, फिर 2021 में और 22 में, तो ये थर्ड एडिशन में बैंगलोर में किया था, और इस साल हम पहली बार वुमेन्स की टीम इंडिया की सेलेक्ट करने वाले हैं। मोस्टली हम लोग भोपाल में मार्च एंड में हम लोग सिलेक्शन कैंप कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 33 प्लेयरों को चुनने वाले हैं, लड़कियों को 33 प्लेयर्स, और ये टीम जाएगी नेपाल खेलने के लिए अप्रैल 25 से लेकर 30 तारीख तक। तो पहली बार इंडिया की टीम जो है इंटरनेशनल टीम बाहर जाएगी और पहला इंटरनेशनल सीरीज वुमेन खेलेंगी, और इसके बाद अगस्त में बर्मिंघम इंग्लैंड में वर्ल्ड गेम्स होगा, वर्ल्ड गेम्स क्रिकेट के लिए होगा, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज कर रही है, और वो भी होगा इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा, और उसमें मेन और वुमेन दोनों की टीम इंग्लैंड जाएगी। तो आप लोग अपना पूरा प्रयास कीजिए, सभी प्लेयर्स से अनुरोध है कि आप अपना 100% दीजिए, एफर्ट डालिए, और गर्ल्स के लिए भी, और हो सके जहाँ जितनी लड़कियाँ हैं जो एक टीम से हैं, आप लोग अपना मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि इंडियन टीम में आ सकें। सो थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द टीम एवरी बेस्ट। थैंक यू डेविड साहब। वैसे जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट रोमांचक होता है, और यहाँ भी रोमांच देखने को मिल रहा था जब ये खेल रहे थे, मणिपुर और चंडीगढ़ का मैच चल रहा था, और सामने दिखता है कि किस तरह से ये बच्चे खेलते हैं और कितनी मजबूती से डटे रहते हैं, और शॉट्स पड़ती हैं तो वो आसपास जितने भी लोग इनके सामने वहाँ होते हैं उनकी तालियां तो बजती ही हैं, और उनको अच्छा भी लगता है कि हमें भी मौका मिल रहा है। और ये जो अभी डेविड साहब ने बताया कि कहाँ कहाँ टीम्स जाएंगी, तो ये सामने दिख रहा है कि रास्ते खुल रहे हैं। एक रास्ता अगर बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, कहीं भी हम जाने लगते हैं तो एक बार लगता है शायद रास्ता नहीं है, कहते तब भी आगे बढ़ना चाहिए, तो अंधेरा छटने लगता है तो रोशनी दिखने लगती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैसे मैं बात कर रहा था चड्डा साहब से, उन्होंने बताया कि BCCI को भी बोला गया है कि वो रिकग्निशन दे इसको, और यूं ही ये सब कुछ मिल जाता तो आप सोचिए कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया जो है, वो कहाँ पहुँचेगी, और आप सबका भविष्य जो है वो कहाँ पहुँचने वाला है। इसलिए अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ये आप सबकी बात है, हम सबकी बात है। आप समाज से अलग नहीं हैं, भिन्न नहीं हैं, समाज का एक हिस्सा हैं, और समाज आपके साथ है, ये बात समझकर चलिए, क्योंकि बदलाव जब आता है तब सारी चीज़ें बदलने लगती है, और अब बदलाव दिख रहा है कि कहीं भी डिसेबिलिटी की बात होती है, हम कहते हैं दिव्यांग की बात हो रही है, तो कहा जाता है कि कौन आएगा आगे, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं आगे आती हैं और एक हाथ आगे बढ़ाती हैं। चलिए मिलकर साथ बढ़ते हैं और बढ़कर अपना नाम रोशन करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। अब मेरा अनुरोध रहेगा आज की समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर बलजीत कौर, हमने जैसे बताया कि खुद वो ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, बेहतर जानती हैं कि वो मंच पर आए और चंद शब्द कहें। आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही आदरणीय हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, यंग स्पोर्ट्समैन, कि इतना अच्छा प्रदर्शन जो आपने दिखाया उसके लिए ये कहना तो बनता ही है कि दिव्यांग कोई भी व्यक्ति उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसकी सोच दिव्यांग नहीं होती। सो आपने
अपनी सोच को दिव्यांग नहीं होने दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर शख्सियतें मौजूद हैं, हमारे प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, एडीसी साहब, रोटरी क्लब से जुड़े हुए सारे ही आदरणीय शख्सियतें, और पीजीआई से डॉक्टर पांडव, क्योंकि जब बात होती है किसी भी दिव्यांगता की तो उससे साथ ही हम बात करते हैं, उसके विशेषज्ञ की, डॉक्टर्स की। तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी तकरीबन एज एन आई स्पेशलिस्ट 20 साल तक काम किया, और जिस एरिया में मैं काम करती थी उस एरिया को बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है, मुक्सर एरिया जो बिल्कुल राजस्थान के साथ ही लग जाता है। बच्चों को मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि उस समय मेरे पास उस एरिया के जो लोग आते थे वो ज़्यादातर ब्लाइंड जो होते थे, उसकी वजह होती थी कि वो गाँव में जैसे वो काम करते हैं हमारे किसान, तो आँख में कुछ डल गया तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है गाँव में कि जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। इधर तो पीजीआई में डॉक्टर पांडव को पता है हमारे बहुत ही सेंसिटिव लोग रहते हैं आसपास में, लेकिन उधर वाला एरिया जो है वो लोग जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते, और हमारे पास जब आते थे तब तक वो इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती थी कि वो ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता था पेशेंट। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगा था कि वहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है, जैसे कि पहले ही बताया गया कि हमें प्रिवेंशन भी ज़रूरी है ब्लाइंडनेस से, ब्लाइंड होना तो चलो जो परमात्मा के हाथ में है। तो उस समय मैंने वहाँ पर एक स्कूल चल रहा था, प्रयास टू उजाला, वो ब्लाइंड स्कूल था, वहाँ के बच्चों को मैं बुलाया करती थी, वो ऐसे ही टैलेंटेड बच्चे आपकी तरह थे, तो जैसे आप बहुत अच्छे प्रदर्शन दिखा रहे थे क्रिकेट का, वो बच्चे बहुत अच्छे सिंगर थे, तो मैंने उन बच्चों को साथ में लेके कि आप ऐसे गाने बनाओ जिससे हमारे लोगों को ये अवेयरनेस आए कि आँखों के प्रति हमें कितनी जागरूकता होनी चाहिए, तो उनकी टीम बना के मैं गांव-गांव में उनको लेके जाती थी, और वहाँ जाकर हम लोगों के बीच प्रचार करते थे कि मौत के बाद अपनी आँखें ज़रूर दान करो, और उसका इतना ज़्यादा असर लोगों पर पड़ा कि वहाँ पर लोग खुद ब खुद मेरे पास आने लगे कि हम अपनी आंखें दान करना चाहते हैं। और मैं डॉक्टर साहब को ख़ास तौर पर बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पीजीआई का एटमॉस्फियर उधर हमारे रूरल एरिया से बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पर हमारा मुक्सर एरिया उस समय में जब मैंने 2 साल तक ये मुहिम चलाई, तो क्रेटोप्लास्टी जो कॉर्निया हम चेंज कर देते हैं, कॉर्निया चेंज करने से जिनकी विजन आ जाती है, ऐसे हमने 100 के ऊपर केसेस करवाए जो बाइलेटरल ब्लाइंड थे, और उनकी रिकवरी भी हुई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सोसाइटी में मोटिवेशन देना, सोसाइटी को एक तरफ ले के जाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई ना कोई आगे आए। सो जैसे बात हो रही थी कि समाज सेवी संस्थाएं, तो समाज सेवी संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे समाज में। सरकारें जो काम नहीं कर पाती, समाज सेवी संस्थाएं वो आगे बढ़कर कर लेती हैं, सरकार का जो गैप रह जाता वो फिल कर देती हैं। तो उसके लिए पंजाब सरकार का जो विजन है, सरदार भगवंत सिंह जी मान का जो विजन है, और हमने जो 1 साल में देखा कि जैसे समाज सेवी संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही हैं उनके साथ हम खड़े होंगे, चाहे वो ब्लाइंड्स के लिए काम कर रही हैं, चाहे किसी और पर्पज़ के लिए काम कर रही हैं, तो जहां पर भी बात होगी कि हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है, वहां पर हमारी सरकार उन संस्थाओं के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बच्चों के लिए मैं छोटी सी कहानी ज़रूर सुना के जाऊँगी, क्योंकि बहुत अच्छा मनोबल आपका देखकर मेरा दिल करता है कि आपको बताऊँ कि एक बार एक
चिड़िया होती है जिसके के पर उड़ने के काबिल नहीं रहते और वो एक दरख्त पर बैठी रो रही होती है, तो पास में से कोई साधु गुजरता है, उसको पूछता है कि क्या तकलीफ है तुझे, तू क्यों रो रही है, तो वो बताती है कि मैं उड़ नहीं सकती, मैं कहीं जा नहीं सकती, या कहो कि मैं दिव्यांग हो गई हूँ, मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। वो साधु अपने गुरु को जाकर बताता है तो वो उसे कहता है कि इसको ये मंत्र बोल दो, ये बोली जाया करेगी दिन रात, ठीक हो जाएगी। तो लगा तो ऐसे ही कि शायद यूं ही टाइम पास करवा रहा है, उसने ऐसे ही बोल दिया चिड़िया को, वो ऐसे मंत्र बोलने लगी और बोलते बोलते दरख्त से नीचे गिर गई। ऐसे में क्या हुआ कि उसे प्यास लगी थी और वो गिरी भी वहाँ जहाँ पानी था। जब उसने पानी पी लिया गिर के, तो उसने भगवान का शुक्र अदा किया कि अच्छा हुआ तुमने मुझे वहाँ से गिरा दिया, तो मैंने पानी पी लिया। यही सोचकर उसके दिमाग में हिम्मत आती है कि अगर मैं ऊपर से गिरकर भी भगवान का शुक्र अदा कर रही हूँ और पानी भी मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं कोशिश करती अपने आप कि मैं थोड़ा चल के देखूं। और वो अपने मनोबल के ऊपर, अपने आत्मविश्वास के बल पे थोड़ा थोड़ा चलने लगती है और उड़ती है। बच्चों को मेरी बात समझ आ गई, मुझे खुशी हुई। तो वो साधु जब दूसरी बार आता है तो देखता है कि वो चिड़िया बहुत खुशी से गाने गा रही है जो पहले रो रही थी। जब वो अपने गुरु से पूछता है कि ऐसा कौन सा मंत्र था, वो कहता है कि मंत्र कुछ नहीं था, सिर्फ उसका ध्यान इस तरफ से हटाना था कि वो दिव्यांग है। तो कोई भी व्यक्ति उस वक्त तक दिव्यांग नहीं होता जब तक उसकी सोच दिव्यांग नहीं होती। सो बच्चों, कभी भी अपनी सोच को दिव्यांग नहीं होने देना, अपने मनोबल के ऊपर, अपने आत्मविश्वास के ऊपर चलकर आपने इस दुनिया में आगे बढ़ना है, और इतनी आगे बढ़ना है कि कोई आपको कह ही नहीं पाएगा कि आप दिव्यांग हो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और मेरी आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, ऊंचाइयों को छूते रहे, और जहां पर भी मेरी ज़रूरत होगी, पंजाब सरकार की ज़रूरत होगी, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चिड़िया की कहानी सचमुच में हौसला बुलंद करने की कहानी है, और मुझे तो ये लगता है कि अब चिड़िया कहती होगी, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जीवन में शिक्षा दे जाती हैं, और प्रेरणादायक शिक्षा इस तरह से मिले और इस तरह की कहानियां मुख्य अतिथि से मिले, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सच में दिल को छू लेने वाली कहानी, छोटी सी लघु कथाएं होती हैं, तो हम इसे भी लघु कथा ही मानेंगे। और अब हमारा अनुरोध एक बार फिर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि, उनके हाथों से हम कुछ स्मृति चिन्ह अपने मेहमानों को देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बार डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज मोहाली पंजाब। अब तालियां मेहमानों के लिए, स्मृति चिन्ह की याद जो है समारोह की मैच के साथ साथ चले। डॉक्टर मिस्टर दमनजीत मान, एडीसी अर्बन डेवलपमेंट। डॉक्टर एस एस पांडव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट
आई सेंटर, एडवांस आई सेंटर जिसे कहा जा सकता है, पीजीआई, बहुत ही जाने माने काला मोतिया जिसे कहते हैं, उसके एक्सपर्ट है दुनिया के जाने माने। टास्क अस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि हमारे देश में हैं। मेहमानों को अभी भी सम्मानित किया जा रहा है। रोटेरियन जसपाल सिंह सिद्धू, इमीडिएट पास प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ चंडीगढ़। रोटेरियन विनोद कपूर, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट 3080, जिसमें 107 क्लब आते हैं, उनमें से ये जीते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। और सामने देखना सर, जॉन डेविड विजुअली इम्पेयर्ड जनरल सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया कैबी एंड डायरेक्टर ग्लोबल डेवलपमेंट वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट लिमिटेड। श्री अनिल गोयल, सेक्रेटरी अग्रवाल भवन सेक्टर 30 चंडीगढ़, हमेशा से हेल्पफुल रहते हैं, कहीं भी कोई समस्या हो तो अग्रवाल साहब को याद किया जाता है। जब नाब यूनिवर्सिटी वो आएगी, और अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं। पहले तो बैलून छोड़कर हम ये जो टूर्नामेंट है ओपन करेंगे। सेठा साहब, पहले ओपन करना है उनके हाथों से आज का टूर्नामेंट जो है। दूर रहना यार, सब भी दूर है। यहाँ मुख्य अतिथि द्वारा टूर्नामेंट का शुभारंभ, टूर्नामेंट ओपन किया जा रहा है। अनुरोध है श्री विनोद चड्डा उनसे कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर बलजीत कौर, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान बढ़ाएं। ये समय ऐसा समय है, ये स्मृतियां इस मैच की, इस एसोसिएशन की उनके संग संग हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर बलजीत कौर, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, श्री अमित तलवार डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस मोहाली पंजाब, मिस्टर दमनजीत मान एडीसी अर्बन डेवलपमेंट, डॉक्टर एस एस पांडव, डॉक्टर रमेश कटारिया, अनिल गोयल सेक्रेटरी अग्रवाल भवन, रोटेरियन जसपाल सिंह सिद्धू, रोटेरियन विनोद कपूर, और यहाँ आए तमाम मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद करता है कि वो आज हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका यहाँ पधारने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।
ਕਿਊਰੇਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਥੇ15 ओवर की समाप्ति के बाद मणिपुर 161 पर 6। Thank you.
नैब का कवर कर रहे हैं, फोटोग्राफी कौन कर रहा है? इधर खाई क्लियर कर हैं, खा कर यहां से कोई बस इतना ही था।